नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करेंगे पार्ट 85। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे, एकॉर्ड। ठीक है, एग्रीमेंट, समझौता जिसे कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। तो एंटोनिम्स इसके डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिसहार्मनी, अपोजिशन, डिसेंट, डिसयूनिटी, वेरियंस, कंटेंशन, डिसेंशन और डिवीजन। आगे चलते हैं। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, इंथुजियाज्म, प्रेज। ठीक है, एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, डिनाउंस, कंडेम, डिसअप्रूवल, डिप्लोर, सेंसर, रिप्यूक, रिप्रोच, ब्लेम, पैन, डेस्परेज और विलीफाई। ऑडाशियस, ढीठ, हटी, स्टबन, म्यूलिश। ठीक है, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। तो कॉन्टेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आ रहा है बोल्ड रिस्क ले सकता है वो, या किसी की बात ना मानने वाला भी हो सकता है ये, रेबल। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है किस सेंस में ये। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके, टिमिड, कॉशन, फियरफुल, शाय, मीक, मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट, वेरी प्रूडेंट और एप्रीहेंसिव। ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है विच इज़ जटिल, वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्क्योर। तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, क्लियर, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, प्लेन, एविडेंट, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनकॉम्प्लिकेटेड, लूसिड, इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट और एसेसिबल। ऑफुल विच इज़ भयानक, भयंकर, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट। एंटोनिम्स है इसके, वंडरफुल, अद्भुत, डिलाइट, प्लेजेंट, इंजॉयबल, फैंटास्टिक, ग्रेट, मार्वलस, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, सुपर्ब, टेरिफिक। एमिकेबल ये हम कर चुके हैं, तो रिविजन फॉर्म में ले लो, फ्रेंडली है जो। ठीक है, एंटोनिम्स है इसके, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, बेलिजरेंट, कन्फ्रंटेशनल, क्वारलसम, कंटेंशियस, कॉम्बैटिव, बेलिकोस, पगनेशियस। तो पग और बेली जैसे पहले बोला था, ये लड़ाई से रिलेटेड है, प्रीफिक्स। ठीक है, एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्त कर देना, सेट और डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ब्लेम, गिल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एंटोनिम्स इसके, ब्लेम देना, एक्यूज, कंडेम, कन्विक्ट, इनक्रिमिनेट, इंडिक्ट, चार्ज, इम्प्लिकेट, होल्ड अकाउंटेबल, फाइंड गिल्टी। ठीक है, तो ये सब है, आगे चलते हैं। एडमोनिश, डांटना, वॉर्न और रेप्रिमेंट समवन फर्मली, डांटना। एंटोनिम्स देखते हैं इसके, प्रेज, कमेंड, अप्रूव, अपलॉड, लॉड, एक्सटॉल, इंडोर्स, सपोर्ट, एनकरेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, फ्लैटर। एस्पैरिटी कठोरता। ठीक है, तो हार्श ऑफ टोन और मैनर। एंटोनिम्स हैं इसके, यहाँ पे सॉफ्ट होगा, तो जेंटल, काइंड, सॉफ्ट, स्मूथ, माइल्ड, टेंडर, लीनियंट या लीनियंसी, कंपैशन, एम्पथी, सिंपथी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एम्पथी, सिंपथी हमने अच्छी तरह से करा है, तो आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, अदरवाइज आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना आर्मिस्टिक, इसका मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है, विराम, संधि, सीज फायर से कह सकते हो आप, अ फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ वेयरिंग पार्टी टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है, जैसे अभी हमास और गाजा में हुआ था, तो युद्ध विराम में क्या किए थे, हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए थे इन लोगों ने। तो ये तो होगी करंट की बात। तो अब चलते हैं इसके एंटोनिम्स में, कन्फ्लिक्ट, वॉर, बैटल, फाइट, हॉस्टाइल, एग्रेशन, कॉम्बैट, कन्फ्रंटेशन, स्ट्रगल, डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट। तो एंटोनिम्स ऑफ लेटर ए हो गए ख़त्म। ठीक है, तो अब हम करेंगे लेटर बी, बैशफुल, शाय। ठीक है, या फिर लज्जाशील, रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वनसेल्फ और शाय। तो इसके एंटोनिम्स होंगे बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, असर्टिव। असर्टिव का सिंपल सा मीनिंग ये है कि
आप अपने आप को कम मत समझो, ठीक है? अपनी बात ठीक से रखो, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल है कि हर बात पे सॉरी मत बोलो, अगर आप सॉरी नहीं हो तो मत बोलो सॉरी, ठीक है? तो आगे चलते हैं। फॉरवर्ड, ऑडाशियस, ब्रैश, सेल्फ अशोर्ड, अनहिबिटेड और डेयरिंग। ब्रिथसम का मतलब होता है हसमुख, लाइट हार्टेड, चेयरफुल, तो ये उदास होगा। तो देखो ये भी अच्छा एग्जांपल है। ब्रिथसम बड़ा पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि हसमुख है, ठीक है? और ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ठीक है? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये। तो एंटोनिम्स देख सकते हैं, ग्लूमी, डिसमल, मेलनकोली, सोम्बर, सलन, डिस्पोडेंट, डाउनकास्ट और डिसहार्टन, डिजेक्टेड, डिप्रेस और मॉर्नफुल। ब्रेफ्ट का मतलब होता है वंचित करना किसी चीज़ से, ठीक है? तो डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, ठीक है? एंटोनिम सेंस के प्रोवाइडेड, एंडोर्ड, इक्विप्ड, फर्निश्ड, सप्लाइड, ब्लेस, पोजेस्ड, बेस्टो, ग्रांट और गिव। वंचित से याद आया मेरे को, एक हमने किया था डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलस, तो वंचित में कौन सा आएगा, एनवी आएगा, जेलस आएगा? तो इसी के साथ आगे चलते हैं। बायगॉटेड का मतलब होता है जो अपने आप को सुपीरियर समझे, हम तो हम हैं बाकी सब पानी कम है टाइप्स, ठीक है? तो ये डिक्टेटर होता है एक्चुअल में। इनटॉलरेंट मतलब दूसरों की बात नहीं सुनता है, अपनी चलाता है। तो ये आपको ब्रीफली बता दिया मैंने, ये मतभेद वाला नहीं है, ये तानाशाह वाला है, ठीक है? तो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। टॉलरेंट, ओपन माइंडेड, अनबायस्ड, इम्पार्शियल, एक्सेप्टिंग, लिबरल, ठीक है? ब्रॉड माइंडेड, अनप्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब पहले से कोई पूर्व धारणा है आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों में पहले होता था, अब तो नहीं, खैर पहले होता था कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो टीवी ज़्यादा देखते होंगे, तो पहले ये धारणा थी, अब तो नहीं है खैर, अब तो सब लोग ही एक्सपोज हैं वर्चुअल मोबाइल और से। क्या था वो? प्रीजुडाइस था, पूर्व धारणा थी। तो चलो आगे चलते हैं। तो हम कहाँ थे? अनप्रीजुडाइस है ये, फेयर माइंडेड, नॉन पार्टिजन, ऑब्जेक्टिव। देखो हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे इसको डिस्कस किया था प्रॉपरली, आई एम श्योर आप रिकॉल कर पा रहे हो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है? तो आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल वो हो सकता है नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, और चाइना में पार्टी है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, ठीक है? तो शी जिनपिंग अपनी चलाता है, और जैसे पाकिस्तान में आर्मी अपनी चलाती है, तो ऐसे ही आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लंट। इसके दो मतलब हैं, एक तो जैसे नाइफ शार्प होती है, तो अगर ब्लंट नाइफ होगी तो वो शार्प नहीं होगी, पहला मतलब। दूसरा मतलब ब्लंट का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है सीधा सा, सीधा साधा नहीं है, ठीक है? इसको आप चेंज कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो, अंडरलाइन, ठीक है? तो जो सच बोले, सपोज ए और बी है, ठीक है? ए और बी है, ए ने बोला तुमने ये चीज़ ली ली है, ठीक है? उसे पता है उसने ये चीज़ ली है या वो काम करा है, ये बोल रहा है मैंने वो काम नहीं करा है, तो इसने बोला तुमने ही करा है, तो ये बोलेगा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ, तो ये बोलेगा हाँ, ठीक है? तो इसने मुंह पे ही बोल दिया है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? तो अगर कोई मीक या फिर कोई अनअसर्टिव बंदा होगा या कोई लड़की होगी तो बोलेगी कि नहीं नहीं मैं तो चेक कर रही थी या फिर मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, ठीक है? तो अगर वो ब्लंट होगा और असर्टिव होगा तो वो उसको पता होगा ये काम इसने करा है, तो वो पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है? तो अब चलते हैं इसके एंटोनिम्स पे। तो ये शार्प नहीं था, ठीक है? पॉइंटेड है, एक्यूट, सटल,
टैक्टफुल डिप्लोमेटिक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, माइंड यू, पोलाइट कर्टियस, ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स का भी ध्यान रखेगा, ठीक है, कंसिडरेट जेंटल रिफाइंड और डेलिकेट। बेस का मतलब होता है मॉरली लो, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है, कि कुछ गलत काम करना है तो चलो कर देते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, तो मॉरली लो विदाउट प्रिंसिपल और वैल्यू। जैसे मेरे को सचिन तेंदुलकर का याद आता है, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अल्कोहल का ऐड नहीं करा है, उसको बहुत पैसे मिले हैं कि सर एक ग्लास ही पकड़ लो एटलीस्ट, मत करो ऐड, कहता नहीं मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो जैसे अभी कंट्रोवर्सी चली थी, अक्षय कुमार ने जो गुटके का ऐड किया था विमल का, ठीक है, देखो अब आपको इससे एक और चीज़ बताता हूँ, तो सैरोगेसी होता है, ठीक है, तो सैरोगेसी ऐड भी होता है, सैरोगेसी ऐड क्या होता है, विमल इलायची का ऐड कर रहे हैं बट शॉप्स में क्या मिलेगा, गुटका, तो ये सैरोगेसी ऐड होते हैं। मैकडावल्स सोडा का ऐड कर रहे हैं बट शॉप्स में क्या मिलेगी, विस्की या अल्कोहल, तो ये सैरोगेट ऐड होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, तो इस चीज़ से ये भी चल गया पता सचिन तेंदुलकर से, ठीक है। तो वर्ड पे आते हैं वापस, बेस मतलब मॉरली लो विदाउट प्रिंसिपल और वैल्यू। एंटोनिम सेंस के, नोबल है, वर्चुअस, एथिकल, ऑनरेबल, प्रिंसिपल, राइचियस, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेबल, डिसेंट, अपराइट, ऑनेस्ट और मॉरल। बॉइस्टरस का मतलब होता है उद्यमी, प्रचंड, ये दोनों कौन होगा, उद्यम कौन मचाएगा, जिसमें ताकत होगी, ठीक है, शारीरिक नहीं, पावर अथॉरिटी वाली, ठीक है। तो अगर किसी को आपको उसका करैक्टर जानना है किसी पर्सन का, तो आप उसको पावर में बिठा दो, ठीक है, फिर देखो वो मिसयूज करता है कि नहीं करता है, तो करैक्टर जज ऐसे भी हो जाता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है कम समय में, तो आप ये देख लो कि अपने छोटे से, अपने छोटे व्यक्ति से वो कैसे बात करता है, छोटा इन द सेंस पे ग्रेड में, ठीक है, स्टेटस में, जो लोग कम होते हैं उनसे वो कैसे ट्रीट करता है, अगर वो अच्छे से ट्रीट करता है दैट मीन्स वो अच्छा इंसान है, ठीक है, पेट भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वर्ड पे आते हैं वापस, बॉयस्ट्रेस का मतलब होता है उद्यमी, प्रचंड, प्रबल, नॉइजी, एनर्जेटिक, चेयरफुल और राउडी। एंटोनिम सेंस के, काम, क्वाइट, पीसफुल, ट्रैंक्वाइल, सरीन, सबड्यू, जेंटल, माइल्ड, प्लेसिड, डिमोर, रिस्ट्रेंड और रिजर्व्ड, ठीक है। बेनालिटी, बेनालिटी का मतलब होता है जो कि ओरिजिनल नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है, अनओरिजिनल, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। तो एंटोनिम सेंस के, ओरिजिनल है जो क्रिएटिव, नोवेल्टी, इनोवेटिव, यूनिक, फ्रेश, इंजेन्युटी, इमेजिनेशन, ठीक है, इंजेन्युटी का मतलब होता है इन्वेंटिवनेस, प्रतिभाशाली, ठीक है, क्रिएटिवनेस, तो इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इमेजिनेशन भी उनमें से एक है, ठीक है, ये भी आ गया, इन्वेंटिवनेस, इंडिविजुअलिटी और डिस्टिंक्टिवनेस। बर्जियोनिंग का मतलब होता है फलना फूलना, थ्राइव करना, ठीक है, ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग रैपिडली, तो इसका एंटोनिम से डिक्लाइनिंग, श्रिंकिंग, कॉन्ट्रैक्ट, डिमिनिश, वेनिंग, डिक्रीज, रिसीड, ड्विंडलिंग, फेडिंग, विदरिंग और स्टैग्नेटिंग। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा करना, ठीक है, भगवान की बेइज्जती करना, ठीक है, तो एक्ट और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, इररेवरेंस, ठीक है। एंटोनिम सेंस के, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट आ गया, वेनरेशन, एडोरेशन, वर्शिप, डिवोशन, पाइटी, होली, सेंक्टिटी, डिवाउट और गॉडलीनेस। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।